माई नेम इज़ डॉक्टर जयमदान और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे बचपन का हिस्सा है, जो मेरी सोच का हिस्सा है. यू नो, एज अ चाइल्ड वी ऑल लव टू हेयर स्टोरीज. आई स्टिल लव दैम. तो जब मैं छोटी थी, माई मदर यूज टू टक मी इन बेड इन ईच नाइट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी विद अ ब्यूटिफुल मॉरल. वन ऑफ द स्टोरीज दैट रियली टच्ड माई हार्ट. इट इज़ पार्ट ऑफ माई थिंकिंग प्रोसेस. आई मस्ट शेयर इट विद यू ऑल. तो द स्टोरी सेज कि एक मदर अपने बच्चे के साथ में एक ग्रोसरी शॉप पे गई. वो वहाँ रेगुलरली विजिट करती थी. तो जब वो बच्चे के साथ वहाँ पर गई तो द चाइल्ड विजिटेड द सेम शॉप आफ्टर लॉन्ग. तो शॉपकीपर ने बच्चे को देखा और कहा, अरे बेटा तुम इतने दिनों बाद आए. तो ही सेड, हाँ अंकल इस बार बहुत दिन हो गए. तो ही सेड, अच्छा अब इतने दिनों बाद आए हो तो ये कैंडी का जार पड़ा है, इसको खोलो और दो तीन कैंडीज निकाल लो. तो बच्चे ने कहा, नहीं नहीं अंकल मुझे कैंडीज नहीं चाहिए. तो शॉपकीपर ने कहा, अरे कोई बच्चा मना थोड़ी ना करता है कैंडी के लिए, चलो अपनी पसंद से कैंडी ले लो. तो उसने कहा, नहीं नहीं अंकल मुझे कैंडी नहीं चाहिए. उसने कहा, बेटा शर्माओ मत, ले लो कैंडीज. तो बच्चे ने कहा, अच्छा अंकल आप ही दे दीजिए, मैं नहीं लूँगा, आप दे दीजिए. शॉपकीपर ओपन द जार. ही वॉज सो इलेटेड टू सी कि इस बच्चे में बिल्कुल भी ग्रीड नहीं है एंड हाउ द चाइल्ड इज सो स्वीट. तो उसने खूब सारी कैंडीज निकाली और बच्चे के हाथ में पकड़ा दी. हम सब भी ऐसे ही करेंगे, जब कोई मना करता है बच्चा तो भी ओवरफ्लो एंड से कि नहीं 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 ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ. तो ऐसे ही शॉपकीपर ने भी किया. मदर वॉज सींग द होल एपिसोड. तो मदर ने घर जाते जाते बच्चे से पूछा कि वैसे तो तुम्हें कैंडीज बहुत पसंद है, तुम ढूंढ ढूंढ के कैंडीज मांगते हो, लेकिन अब जब वो शॉपकीपर अंकल दे रहे थे आपको कैंडीज तो आपने ली क्यों नहीं? द चाइल्ड सेड, मम्मी अगर मैं खुद कैंडी निकालता तो मेरे तो हाथ ही छोटे छोटे से हैं, मैं दो तीन कैंडी निकालता और अपने पास रख लेता. बट अंकल के हैंड्स तो इतने बड़े हैं, जब अंकल ने कैंडीज निकाल के दी तो इतनी सारी निकाल के दी कि मैं संभाल भी नहीं पाया. नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट दिस इज़ द रियल आर्ट ऑफ प्रेइंग. जी, दिस इज़ वॉट माई मदर टोल्ड मी. आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, भगवान में, यूनिवर्स में, प्रकृति में, वट एवर यू कॉल इट, वट एवर फॉर्म यू गिव इट, वो बहुत इंटेलिजेंट है. प्रकृति की, भगवान की सोच, उसका गिविंग नेचर, उसका पर्सपेक्टिव, भगवान का यू नो मैग्नीट्यूड हमसे हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स बड़ा रहेगा. हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तो जब हम कुछ मांगते हैं तो हम इतनी सी सोच के हिसाब से, इतने से माइंडसेट के हिसाब से मांग पाते हैं, बिकॉज वी कांट सी आफ्टर अ सर्टन फेज ऑफ लाइफ और अ सर्टन लिमिट ऑफ लाइफ. लेकिन जब भगवान देता है तो हर एंगल से सोच के देता है, हमारी डिजर्विंग कैपेसिटी से ज़्यादा हमें देता है, क्योंकि उसका नेचर ही देना है. गिविंग इज हिज एट्रीब्यूट. उसको कुछ और आता ही नहीं है सिवाय देने के. सो व्हेन यू लीव थिंग्स ऑन हिम, ही रियली गिव्स यू मोर देन यू कैन डिजर्व और मोर देन यू कैन इमेजिन. दैट इज़ हाउ फ्रॉम दैट डे इन माई चाइल्डहुड टिल टूडे आई प्रे इन लाइफ. जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं कहती हूँ कि देखो, यू नो वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि देखो ये तो मुझे पसंद है, अगर आपको लगता है ये मेरे लिए ठीक है तो ये मुझे दे दो. आई वॉन्ट दिस और समथिंग बेटर देन दिस, बट आई लीव द चॉइस ऑन यू. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आर्ट. प्रेइंग इज ऑल्सो आर्ट, लाइक लिविंग इज ऑल्सो एन आर्ट. तो जब आप उस पर छोड़ कर मांगते हैं, जब आप मांगते हैं लेकिन यू लीव द फाइनल डिसीजन टू हिम, वो आपकी सोच से ज़्यादा आपको देता है. दिस इज़ वॉट आई कॉल इज एट लिविंग ब्यूटिफुली विद ग्रैटिट्यूड. When you have desire, but you have immense gratitude and trust together. तो इसी तरीके से मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी स्टोरीज़ जिन्होंने मुझे इम्पैक्ट किया शेयर करूँगी. अगर आप पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आप चाहते हैं मुझसे शेयर करना और फिर चाहते हैं कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, आई बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर स्टोरीज़, स्टोरीज़ दैट शिफ्टेड योर माइंड सेट. सो प्लीज़ डू शेयर दैम एंड आई कीप शेयरिंग थिंग्स दैट रियली चेंज्ड मी, चेंज्ड माई परस्पेक्टिव एज अ पर्सन. Hope to see you soon and have a beautiful day ahead.